दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राग दरबारी, जिसको कि लिखा है एक इंडियन नावलिस्ट श्री लाल शुक्ला ने। दोस्तों, ये एक सोशल और सटायरिकल नावल है। ये नावल पब्लिश हुई थी 1968 में और इसके दो साल बाद ही यानी कि 1970 में इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो आइए दोस्तों, अब हम इस नावल की समरी को देखते हैं। दोस्तों, इस नावल का हीरो यानी कि मेन कैरेक्टर है रंगनाथ। रंगनाथ एक पढ़ा लिखा युवक है। इसने हिस्ट्री सब्जेक्ट से एमए कर रखा है और अभी कोई रिसर्च में काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से इस रंगनाथ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए सोचता है कि वो अपने मामा के यहाँ शिवपालगंज जाएगा। दोस्तों, रंगनाथ के मामा वैद्य हैं, उनको सभी वैद्य जी ही बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टरी उनका मेन पेशा नहीं है। शिवपालगंज में एक कॉलेज है जिसे छंगामल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये वैद्य जी इसी कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इस गांव में जो सहकारी समिति बनाई गई है, दोस्तों सहकारी समिति उसको कहा जाता है जहां पर गांव वालों को अनाज वगैरह वितरण किया जाता है। ये वैद्य जी इस सहकारी समिति के भी मालिक हैं, यानी कि उन्हीं की देखरेख में सारे काम किए जाते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वैद्य जी का मेन काम कॉलेज की समिति और सहकारी समिति दोनों को चलाना और इनकी देखभाल करना है। इस तरह से ये वैद्य जी इन दोनों संस्थाओं को ही अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वैसे तो वैद्य जी एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, काफ़ी सज्जन लगते थे और धार्मिक टाइप के भी थे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वैद्य जी इन सभी से ज़्यादा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति के सारे पैतरे वैद्य जी को बखूबी आते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति में इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं छंगामल कॉलेज की। छंगामल कॉलेज के प्रिंसिपल एक विद्वान व्यक्ति हैं, यानी कि काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार किस्म के हैं। लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के अधीन हैं, उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसके अलावा जब कॉलेज में कोई भी पद खाली होता है तो प्रधानाचार्य जी अपने किसी रिश्तेदार को इस पद पर रखवाने की पूरी कोशिश करते थे। इसी कॉलेज में एक टीचर हैं खन्ना साहब। खन्ना साहब को प्रिंसिपल का ये रवैया बिल्कुल भी नहीं पसंद आता और इन्हीं सब रीजंस के वजह से ये जो प्रिंसिपल साहब हैं खन्ना साहब को अपना दुश्मन समझते हैं। प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि ये जो खन्ना है वो उप प्रिंसिपल बनना चाहता है। इसके बाद वो ये भी चाहेगा कि उसे प्रिंसिपल बना दिया जाए। प्रिंसिपल साहब खन्ना साहब को टॉर्चर और परेशान करने के लिए हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। कभी कभी उनके क्लास में जाकर छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें सुनाते थे। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के पास भी जाते थे और खन्ना साहब की बढ़ा चढ़ाकर शिकायत करते थे। दोस्तों, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस छंगामल कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा अपने पर्सनल और व्यक्तिगत कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि इस कॉलेज में एक टीचर है मोतीराम। मोतीराम जी के पास एक अलग अपना खुद का व्यवसाय भी है जो कि है चक्की चलाना। अब मोतीराम जी एक बात से परेशान है क्योंकि गांव में कुछ दिन पहले ही किसी और ने भी चक्की खोल रखी है। इस वजह से ये परेशान है कि इनके कस्टमर्स कम हो गए, यानी कि इनकी इनकम कम हो गई है। दोस्तों, वैद्य जी के दो बेटे हैं, पहले है बद्री पहलवान और दूसरे हैं रुपन बाबू। ये जो बद्री पहलवान हैं वो अपने पिता के काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन रुपन बाबू को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमेशा कॉलेज की राजनीति में ही व्यस्त रहते हैं। रुपन बाबू 10वीं कक्षा के छात्र हैं और कई सालों से 10वीं में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि वे बार बार फेल हो जाते हैं। रुपन का स्वभाव गर्म है, जब भी कभी वैद्य जी कोई गलत फैसला सुनाते हैं तो ये रुपन बाबू अपने ही पिता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रुपन का उठना बैठना भी रंगनाथ के साथ ही ज़्यादा रहता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव में जो सहकारी समिति है उसके कर्ता धर्ता वैद्य जी ही हैं। एक दिन होता यह है कि जो सहकारी समिति का सुपरवाइजर होता है राम स्वरूप, एक दिन वो रात में 2 ट्रक लेकर आता है और दोनों ट्रक में अनाज भरकर शहर में बेच आता है और इस तरह से सहकारी समिति में घोटाला हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन शिवपालगंज में इस घटना को लोग कॉमनली ले रहे थे, यहाँ तक कि वैद्य जी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर आराम से घर पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये वैद्य जी भांग पीने के बहुत शौकीन हैं। इनका एक सेवक है जिसका नाम है सनीचर। ये सनीचर वैद्य जी को भांग पिलाता है, साथ ही गांव में जो भी खबर उठती है ये सनीचर वैद्य जी के सामने उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। अब दोस्तों, सहकारी समिति में जो घोटाला हुआ है उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सभी लोग भांग पीते हैं। इसके बाद घोटाले के विषय में चर्चा होती है। वैद्य जी अपना फैसला सुनाते हैं कि जो भी घोटाला हुआ है 8,000 रुपए का, उसका हर्जाना सरकार को भरना होगा। वैद्य जी के इस फैसले से बद्री पहलवान और रंगनाथ दोनों नाखुश थे। उनका ये कहना था कि अगर घोटाला सुपरवाइजर ने किया है तो फिर वो हर्जाना सरकार क्यों भरेगी। इस बात पर वैद्य जी अपनी राय रखते हैं कि हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, वो सुपरवाइजर पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि सहकारी समिति जिंदा रहे और लोगों का कल्याण होता रहे,
तो इसलिए सरकार को इसका हर्जाना भरना होगा। दोस्तों वैसे तो वैद्य जी का तर्क किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी मजबूरी में लोग वैद्य जी की बात मान लेते हैं। उधर छंगामल कॉलेज में भी राजनीति बढ़ती जा रही थी। वहां पर दो गुट बन गए थे, पहला गुट था प्रिंसिपल का और दूसरा गुट था सीनियर टीचर खन्ना मास्टर का। खन्ना साहब एक दिन प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं। वो उसमें लिखते हैं कि हर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल का पद होता है, लेकिन इस कॉलेज में वो पद खाली है, इसलिए सीनियर टीचर होने के नाते खन्ना साहब को वो पद मिलना चाहिए। पत्र पाते ही प्रिंसिपल साहब जैसे बौखला गए। उनको लगने लगा कि अब ये खन्ना आगे बढ़ रहा है, आगे चल के वो ये भी कहेगा कि उसे ही प्रिंसिपल बनना है। इसके बाद प्रिंसिपल साहब खन्ना को बुलवाते हैं और उस बेचारे को बहुत डांटते हैं। प्रिंसिपल साहब की बात पर खन्ना बस इतना ही कह पाता है कि क्या आपकी यही इंसानियत है। खन्ना साहब निराश होकर कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष गयादीन के यहाँ जाते हैं। एक्चुअली इस गयादीन के घर पर कुछ दिन पहले ही चोरी हुई थी, वो ऑलरेडी परेशान था। खन्ना साहब गयादीन से कहते हैं कि कॉलेज में अन्याय हो रहा है, प्रिंसिपल अपनी मनमानी कर रहा है। इस पर गयादीन कहते हैं कि पूरे देश का यही हाल है, हर जगह भाई भतीजावाद हो रहा है, और अगर कॉलेज में भी ये हो रहा है तो बड़ी बात नहीं है। गयादीन की बात सुनकर खन्ना साहब कहते हैं कि क्या इस अन्याय से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर गयादीन कहते हैं कि ना ही जिला बोर्ड की बैठक हुई है 5 सालों से और ना ही कॉलेज प्रबंध समिति की। अगर ये बैठक होती है तो उसी में कुछ हो सकता है, चुनाव होंगे और नए सदस्य चुने जाएंगे। उधर दोस्तों वैद्य जी कई दिनों से गांव की राजनीति में भी इंटरेस्ट लेने लगे थे। एक बात वो नोटिस करते हैं कि गांव में जो बंजर जमीन पड़ी थी उस पर गांव वालों ने मनमाने तरीके से कब्जा कर लिया था। ये सब देखकर वैद्य जी समझ जाते हैं कि जरूर गांव वालों ने प्रधान को पैसे खिलाए होंगे, ऊपर से पुलिस वाले भी प्रधान की बात मान रहे थे। वैद्य जी सारी बातें समझ जाते हैं कि प्रधान जरूर सबको अपने कब्जे में कर रहा है। ये सब चीजें देखकर वैद्य जी का दिमाग घूमने लगता है। वो सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि गांव के प्रधान को भी बदला जाए। फिर वैद्य जी ये सोचते हैं कि किसी ऐसे पात्र को प्रधान चुना जाना चाहिए जो वैद्य जी के इशारों पर नाचे। इसके लिए वो अपने सेवक सनीचर को सबसे उचित पात्र मानते हैं। वो जानते थे कि सनीचर जो करेगा वो वैद्य जी की मर्जी से ही करेगा। दोस्तों सनीचर का असली नाम होता है मंगलदास। वैद्य जी उसको समझाते हैं कि सुनो मंगलदास, प्रधान बहुत ही ऊंचे पद का व्यक्ति होता है, यानी कि बहुत ही ऊंचे दर्जे का व्यक्ति होता है। वो गांव के सभी कारभार को देखता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रधान होना चाहिए। वैद्य जी की बातें सुनकर सनीचर कहता है कि मालिक मैं तो एक नालायक व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इस पर वैद्य जी सनीचर से कहते हैं कि प्रधान तुम थोड़ी रहोगे, तुम्हारा तो बस नाम रहेगा, बाकी मैं जो कहूँगा तुम वैसे वैसे करना। एक दिन रंगनाथ और रुपन बाबू गांव में मेला देखने के लिए जाते हैं। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारी झाड़ियाँ थी, रास्ता ठीक नहीं था। इस पर रंगनाथ उन झाड़ियों को आपस में बांधने लगता है ताकि रास्ता बन जाए। एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। इस पर रंगनाथ मजाक में उससे कहता है कि मैं झाड़ियाँ इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि इससे देवता खुश होते हैं। और जब ये बात औरतों के बीच में पहुँची तो अंधविश्वास की तरह सब जगह फैल गई। अब पूरे गांव के लोग झाड़ियाँ बांधने लगे। लोगों का इस तरह से पागलपन देखकर रंगनाथ सोचने लगता है कि अंधविश्वास ऐसी चीज होती है कि लोगों से कुछ भी करवा सकती है। उधर दोस्तों ये रुपन बाबू मेले में दादागिरी दिखा रहे थे। वो एक हलवाई की दुकान पर जाते हैं और उसके यहाँ से मिठाइयाँ और रबड़ी खरीदते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। इसके बाद पैसा भी नहीं देते और उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमें पैसा वापस करो। ये सब चीज़ देखकर वो हलवाई नाराजगी जताता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए, मैं तुमको वापस क्या करूं। इस पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। पुलिस बीच बचाव करती है लेकिन मजबूरी में उस हलवाई को इन सभी को पैसे वापस करने पड़ते हैं। उधर दोस्तों मेले में एक मंदिर में रंगनाथ एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है। वो देखता है कि पुजारी भी सबको बेवकूफ़ बना रहा है। वो पुजारी कहीं से किसी सिपाही की मूर्ति लाकर मंदिर में रख देता है और लोगों से कहता है कि ये बहुत बड़े देवता की मूर्ति है। जब रंगनाथ उससे पूछता है तो वो रंगनाथ को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब कॉलेज की प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई जाती है। ये चीज सुनकर वैद्य जी के विरोधी गुट वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी अच्छा चांस है, वैद्य जी को भी हटाया जा सकता है उनके पद से। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैद्य जी को राजनीति के सारे पैतरे आते हैं, उनको भी डर था कि उनकी कुर्सी उनके हाथ से चली ना जाए, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल साहब को पहले ही आगाह कर दिया था। मीटिंग वाले दिन प्रिंसिपल साहब ने गेट के बाहर कुछ विद्यार्थी खड़े कर दिए थे हॉकी लेकर। वो लोगों को ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि ये सभी बच्चे हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन काम ये था कि जब भी वैद्य जी के विरोधी गुट से कोई आए तो उनको अंदर ना घुसने दिया जाए।
प्रिंसिपल साहब ने वहाँ के लोकल बदमाश बलराम सिंह को भी बुला रखा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। जब भी कोई विरोधी गुट से कॉलेज के अंदर प्रवेश करना चाहता, बलराम सिंह पिस्तौल दिखाकर उसको वापस कर देता। इस तरह से कॉलेज के अंदर मीटिंग चलती रही और विरोधी गुट का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं घुस पाया। और फिर फाइनली वैद्य जी को दोबारा कॉलेज का मैनेजर चुन लिया जाता है। कॉलेज में मीटिंग के दौरान जो धांधली हुई वो देख के रंगनाथ के मन में विद्रोह पैदा हो गया। उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आई कि इस तरह से यहाँ पर मीटिंग या चुनाव कराए जा रहे हैं। रंगनाथ ने ये सभी बातें रुपन बाबू के सामने रखी। रुपन बाबू ने रंगनाथ से कहा कि ये पॉलिटिक्स है, इसमें कमीनापन चलता है, क्योंकि पॉलिटिक्स का एक नियम है कि अगर आप अपने दुश्मन को चित नहीं करते तो वो आपको एक दिन जरूर चित कर देगा। खन्ना साहब के साथ जो अन्याय हो रहा था, रंगनाथ उसके बारे में भी रुपन से बात करता है। लेकिन इस पर रुपन कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब और खन्ना साहब दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उधर दोस्तों, कॉलेज की प्रबंध समिति में जो धांधली हुई थी उसके लिए विपक्षी पार्टी वालों ने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा और सारी सूचना दी कि किस प्रकार से चुनाव में धांधली हुई है। और पत्र के जरिए उन लोगों ने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि ऊपर से अधिकारी भेजे जाएं ताकि कॉलेज की जांच कराई जा सके। इस बात की पता जैसे ही प्रिंसिपल साहब को पड़ती है, वो तुरंत कॉलेज की साफ सफाई करवाने लगते हैं, गड्ढे खुदवाकर उसमें पेड़ पौधे भी लगवाने लगते हैं। तभी एक दिन खन्ना साहब प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचते हैं छुट्टी का एप्लीकेशन लेकर, लेकिन प्रिंसिपल साहब खन्ना के एप्लीकेशन को फाड़ देते हैं। प्रिंसिपल का ये रवैया देखकर खन्ना साहब को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने मेरा एप्लीकेशन क्यों फाड़ दिया। इस पर प्रिंसिपल साहब खन्ना साहब को जवाब देते हैं कि उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से मैंने फाड़ दी। इस बात पर खन्ना साहब गुस्से में कहते हैं कि ठीक है, निकलना बाहर, मैं तुम्हारी सारी कमी आज दूर कर दूंगा। इस बात पर खन्ना और प्रिंसिपल में झगड़ा हो जाता है और दोनों ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। खन्ना साहब वैद्य के पास जाते हैं प्रिंसिपल की शिकायत लेकर, लेकिन वैद्य साहब मना कर देते हैं कि पुलिस जो करेगी वही करेगी, मेरे से मतलब नहीं है। दोस्तों, वैद्य जी का एक और आदमी था जोगनाथ। सभी जानते थे कि जोगनाथ वैद्य जी का आदमी है। एक दिन पुलिस जोगनाथ को गिरफ्तार कर लेती है चोरी के इल्जाम में। जोगनाथ के ऊपर ये इल्जाम था कि गया दिन के घर में उसी ने चोरी की थी और इस चोरी को गया दिन की बहन ने देखा था। इस गिरफ्तारी के बाद वैद्य जी एक चीज नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि आजकल दरोगा उनके भी बच्चे रामाधीन के यहाँ उठना बैठना कर रहा है। वैद्य जी समझ जाते हैं कि इसमें जरूर कोई राजनीति है। वो अपने आदमी जोगनाथ को जब छुड़ाने के लिए जाते हैं तो दरोगा मना कर देता है। वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, अब इस चीज का फैसला अदालत में ही होगा। दरोगा की बात सुनकर वैद्य जी को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और सीधे चले जाते हैं शहर, बड़े अधिकारियों से मिलकर उस दरोगे का तबादला करा देते हैं। उधर दोस्तों, ग्राम सभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा था। सभी को ये कन्फ्यूजन थी कि आखिर वोट किसको दिया जाए। पहला तो सनीचर था जो वैद्य जी का आदमी था और दूसरा था वैद्य जी का विरोधी यानी रामाधीन का भाई। जब सनीचर गांव वालों से वोट मांगने जाता था तो गांव वाले उससे कहते थे कि हम तो वैद्य जी को ही वोट देंगे, वैद्य जी ने पहली बार हमसे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है तो इसलिए हम सनीचर तुम्हें ही वोट देंगे। और दूसरी तरफ जब रामाधीन का भाई वोट मांगने जाता था तो गांव वाले यही चीज़ उसको भी पढ़ाते थे। वो लोग कहते थे कि कौन सी वोट बहुत बड़ी चीज़ है, हम तुम्ही को देंगे। दोस्तों, इस चुनाव में वैद्य जी जीतने के लिए सारे तरकीब अपनाते हैं। वो चुनाव अधिकारी को एक घड़ी गिफ्ट करते हैं, वो भी महंगी वाली। इसके बाद क्या होता है, सनीचर चुनाव जीत जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हमें बद्री पहलवान के बारे में एक नई चीज जानने को मिलती है। एक्चुअली एक दिन बद्री पहलवान अखाड़े में कुश्ती कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे एक छोटे पहलवान के साथ, वो उनका साथी था। बद्री पहलवान छोटे पहलवान को कस कर पटकते हैं। इस पर छोटे पहलवान को नाराजगी होती है तो बद्री पहलवान छोटे से कहते हैं कि तुमने जो उस दिन बयान दिया था गया दिन के विरोध में उसके लिए ये था। इस पर छोटा पहलवान कहता है कि मैंने गया दिन के विरोध में गवाही देकर अच्छा ही तो किया था, क्योंकि मुझे जोगनाथ को बचाना था और जोगनाथ आपके पिता वैद्य जी का आदमी है। इस पर बद्री पहलवान कहते हैं कि तुमने गया दिन के साथ जो किया मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने बेला का अपमान किया था। इस पर छोटा पहलवान कहता है कि आपको बेला से क्या लेना देना है। बद्री पहलवान कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूं और अगले महीने में हम और बेला शादी कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये बात धीरे धीरे वैद्य जी के पास पहुंचती है। वैद्य जी बहुत नाराज होते हैं बद्री पहलवान से। वो बद्री पहलवान से बात करते हैं कि मैं तुम्हारी बेला से शादी नहीं होने दूंगा। इस पर बद्री पहलवान अपने पिता वैद्य जी का अपमान कर देते हैं। अब वैद्य जी के पास कोई रास्ता नहीं था, वो खुद बेला के भाई गयादीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहन की शादी मेरे बेटे से हरगिज नहीं होगी। इस पर गयादीन भी कहता है कि वैद्य जी, मैंने अपनी बहन की शादी शहर में तय कर रखी है किसी अपने बिरादरी वाले से, मैं उसकी शादी वहीं पे करूंगा। गयादीन की बात सुनकर वैद्य जी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी बहन की शादी जल्द से जल्द कहीं और पे करा दो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बताना।
उधर दोस्तों सनीचर प्रधान बनने के बाद गांव के चौपाल में एक दुकान खोलता है। वहां पर वो आटा दाल यानी जरूरत के सामान बेचता है, साथ ही वो चोरी छिपे शराब भी बेचता है। शिवपालगंज की इतनी बुरी हालत देखकर रंगनाथ को घृणा होने लगती है। वो सोचता है कि मुझे अब यहां रहना ही नहीं है, मैं अपने घर चला जाऊंगा। उधर दोस्तों प्रिंसिपल साहब और खन्ना साहब की पेशी अदालत में होती है। जज साहब उन दोनों को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अध्यापक होकर ऐसी हरकतें करते हो। इसके बाद जज साहब प्रिंसिपल साहब से कहते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ऐसे टीचरों को बाहर निकाल देता। जज की बात सुनकर प्रिंसिपल साहब को एक सह मिल जाता है। वो फिर से टीचरों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। दोस्तों रंगनाथ भी खन्ना साहब के पक्ष में था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने घर जाने से पहले खन्ना साहब को बुलाता है और एक सिद्धांतवादी भाषण देता है और उनको समझाता है। अंत में दोस्तों ये रंगनाथ अपने घर चला जाता है शिवपालगंज छोड़कर। उधर बैद जी फैसला करते हैं कि वो रुपन बाबू को अपनी संपत्ति का एक तिनका भी नहीं देंगे और वो अपनी सारी संपत्ति बद्री पहलवान के नाम कर देते हैं। दोस्तों इस नॉवेल के माध्यम से श्रीलाल शुक्ला जी ने गांव में हो रहे आर्थिक और सामाजिक शोषण को दिखाया है।